हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेगा फ्लेक्सोन टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, मेगा फ्लेक्सोन टैबलेट है क्या, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन केसेस में आपको ये लेनी चाहिए और किन केसेस में आपको इससे बचना है लेने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट की, क्योंकि जो मेन बात वो कंटेंट के अंदर है। इसके अंदर एक ऐसा कंटेंट डाला गया है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसका इस्तेमाल आपको करने से ज्यादातर केसों में बचना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो है पैरासीटामोल यानी एसिटोमिनाफेन, और दूसरा जो कंटेंट है वो है ट्रामाडोल। तो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी दो या दो से ज्यादा जो भी साल्ट जिस मेडिसिन के अंदर डाले जाते हैं वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है। पैरासीटामोल एक नॉर्मल एनाल्जेसिक ड्रग है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेन रिलीवर के तौर पर, या आपको फीवर वगैरह आता है उसको ठीक करने के लिए। ट्रामाडोल एक अपोइड एनाल्जेसिक है दोस्तों। अपोइड से यहाँ पर बात समझने वाली है कि अगर आप इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये नार्कोटिक्स के अंदर आती है, ड्रग्स वगैरह नार्कोटिक एनाल्जेसिक के अंदर आती हैं, तो उस केसेस में ये आपको इनकी हैबिट पड़ सकती है, एडिक्शन हो सकता है, और बाद में ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे आपको इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़े, वरना ये आपकी बॉडी पर असर दिखाना कम कर देती है। ट्रामाडोल एक पेन रिलीवर है दोस्तों, जो कि ब्लॉक कर देता है ट्रांसमिशन पेन सिग्नल को, आपके ब्रेन में जाने वाले जो पेन सिग्नल है उसको कम कर देता है, और कम करने की वजह से आपको पेन का पता नहीं लगता। तो मेन इस टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेन रिलीफ के तौर पर किया जाता है। वो पेन किसी भी तरह का हो सकता है, वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो सकता है वो टूथ एक यानी दांत में दर्द हो सकता है बैक पेन यानी कमर में दर्द हो, जॉइंट पेन यानी आपके जोड़ों में दर्द हो, मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द हो, या किसी भी तरह का कोई भी ट्रामा केसेस का दर्द हो, उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक्शन को इनहेंस करने के लिए इसके साथ में पैरासीटामोल डाला गया है। अरिस्टो कंपनी इसको बनाती है। बात करें इसके एमआरपी की तो 79 रुपीज या 80 रुपीज के अराउंड इसका एमआरपी है 10 टेबलेट का। आप मार्केट में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको परचेज करने के लिए आपको इसकी प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के टेबलेट नहीं दी जाती है, इसके लिए इसका प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो अगर आप इसको लेते हैं लंबे समय तक तो आपको ट्रामाडोल की हैबिट पड़ सकती है, एडिक्शन हो सकता है, और अगर आप इसको लेते हैं नोजिया वोमिटिंग कॉन्स्टिपेशन या वीकनेस आपको आती है तो ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है, हो भी सकते हैं, नॉर्मल है। तो अगर ये आपको होते हैं तो उस केसेस में घबराए ना, अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। स्लीपलेसनेस इसके साथ हो सकती है यानी आपको नींद आना, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो पेन सिग्नल है उसको काट दिया गया है। बात करें अल्टरनेटिव ब्रांड की, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कालपोल्टी टैबलेट ले सकते हैं, पीटी टैबलेट ले सकते हैं, रामसेट टैबलेट ले सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ज्यादा मशहूर है। डोलोनेट टैबलेट फाइजर कंपनी की, ये आपको इजिली मिल सकती है अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है। तो इसको यूज कैसे करना है तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। डायरेक्ट इस टैबलेट को चबाए ना, तोड़े ना, तोड़ के यूज ना करें, इसको सीधा पानी के साथ निगलना होता है। इस तरह आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, लेकिन डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें आप, कि डॉक्टर ने आपको कितनी डोज सलाह की है। बात करें कुछ सेफ्टी एडवाइस की, अल्कोहल के साथ बिल्कुल अनसेफ है ये टैबलेट, आप अल्कोहल के साथ इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बात करें प्रेगनेंसी यूज में तो हमेशा डॉक्टर की सलाह में, कोई लेडी अगर इसको लेना चाहती है तो डॉक्टर की सलाह से ही ले, अगर वो प्रेग्नेंट है तो। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी स्तनपान के दौरान ये सेफ है अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट को कभी भी इस्तेमाल करके कोई भी मशीन काम ना करें या कोई भी ड्राइविंग वर्क ना करें, आप कोई भी ड्राइव ना करें किसी भी तरह के किसी भी व्हीकल को, क्योंकि इसको लेने के बाद जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कम हो सकती है, ब्लर्ड विजन हो सकता है, तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हो सकता है कोई एक्सीडेंटल केस ना हो जाए, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ना करें। किडनी केसेस में इसका इस्तेमाल ना करें अगर किडनी आपकी ज्यादा खराब है, लीवर अगर आपका ज्यादा खराब है तब भी इसका इस्तेमाल ना करें। कुछ टैबलेट के साथ इसकी इंट्रैक्शन है, उस केसेस में हमें हमेशा अपनी आप जो भी टैबलेट वगैरह पहले ले रहे हैं डॉक्टर को जरूर बता दें, ताकि वो ये जान पाए कि ये टैबलेट आपको देनी है या नहीं। तो दोस्तों, ये था मेगा फ्लेक्सोन टैबलेट के बारे में मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।